जय हिंद। आज 12 वर्ड्स लेकर मैं आया हूं। कितने? 12 वर्ड्स। ये जो 12 वर्ड्स हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा विद सेंटेंसेस। वीडियो में बने रहिएगा और मैं एक एक करके सेंटेंस के साथ इसे आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। डिमांड, पहला जो वर्ड है वो क्या है, आप देखिए, बिल्कुल डिमांड वर्ड है। डिमांड, डी ई एम ए एन डी। डिमांड का मतलब मांग होता है, आप सभी लोगों को मालूम है। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग, किसी चीज का मांग है, मतलब वो डिमांड है। बहुत अच्छा चीज मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं। डिमांड से एक अच्छा सेंटेंस आपको मैं सिखाने वाला हूं। जैसे मैं बोलूं कि द डिमांड, आप देखते जाइएगा, बिल्कुल द डिमांड ऑफ इंग्लिश है ना, द डिमांड ऑफ इंग्लिश हैज इंक्रीज्ड। ध्यान से देखिएगा आप लोग, द डिमांड ऑफ इंग्लिश हैज इंक्रीज्ड इन आवर कंट्री, हमारे देश में है ना, द डिमांड ऑफ इंग्लिश हैज इंक्रीज्ड है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लिख देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको यहां पे एक फ्रेज भी सिखा रहा हूं, वो कौन सा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में। आपने यहां पे ये सीखना है ना, पूरे दुनिया में। ये आपको ये भी सीखना है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं, द डिमांड ऑफ इंग्लिश हैज इंक्रीज, इंक्रीज मैंने बढ़ना है ना, इंक्रीज यानी मैंने पढ़ाया, द डिमांड ऑफ इंग्लिश हैज इंक्रीज है ना, इंक्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी एक चीज आपने यहां पे देखा, मैंने इन का प्रयोग नहीं किया है, यानी कहने का मतलब है पूरी दुनिया में। इस में की अंग्रेजी में कोई मतलब इन यहां पे हमें नहीं लिखना है। ऑल ओवर द डे का मतलब ही होता है पूरी दुनिया में। द डिमांड ऑफ इंग्लिश हैज इंक्रीज्ड ऑल ओवर द डे, ठीक है। डिमांड, जैसे मैं बोलूं, मैं ये बोलूं कि कोई भी चीज, अगर कोई चीज डिमांड में होता है, ठीक है, कोई चीज डिमांड में होता है, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि या आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट इज इन डिमांड। आलिया भट्ट जो है इज इन डिमांड, आलिया भट्ट जो है वो डिमांड में, इन डिमांड। आलिया भट्ट इज इन डिमांड, आलिया भट्ट जो है ना, आलिया भट्ट इज इन डिमांड। इन डिमांड एक वर्ड आया जिसका मतलब है मांग में। इन डिमांड का मतलब क्या? मांग में, यानी जिनका चलती बनती ज्यादा है उनको हम इन डिमांड कहते हैं। यहां पे सीख ही लीजिए आप लोग, डिमांड है और इन डिमांड। एक इन डिमांड, इन डिमांड का मतलब क्या हुआ? इन डिमांड का मतलब होता है कोई चीज मांग में है ना, मांग में, मांग में है ना, जिसका मांग है उसको हम इन डिमांड कहते हैं है ना। आलिया भट्ट इज इन डिमांड दिस डेज। आप इस सेंटेंस को और बढ़ाइए। देखिए मेरा क्या काम है, व्हाट इज माय वर्क, माय वर्क इज टू टीच यू ऑल द सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर वे एंड आई एम डूइंग द सेम। आलिया भट्ट इज इन डिमांड दिस डेज, इन दिनों आलिया भट्ट डिमांड में है। आपने इन डिमांड, आपने डिमांड से शुरू किया था, आप आ गए इन डिमांड पे, तो डिमांड समझ में आ गया आपको। आपने यहां पे एक वर्ड सीखा है इंक्रीज, इंक्रीज माने बढ़ना, और वही चीज जो है, वही चीज आप यहां पे देख रहे हैं, इंक्रीज शब्द आ गया है, वही चीज यहां पे क्या आ गया है, इंक्रीज। इंक्रीज का क्या मतलब हो गया है, आप जरा इस चीज को भी आप बिल्कुल देखिए। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, यहां पे वही इंक्रीज है, आई एन सी आर ई ए एस ई। इंक्रीज का स्पेलिंग क्या मैंने बताया, आई एन सी आर ई ए एस ई है, एस, एस फॉर शिमला वाला। इंक्रीज मैंने बढ़ना। मैंने इससे पहले जो वोकैबुलरी का क्लास मैंने लिया था, आई मीन फोर्थ क्लास है ना, स्पोकन इंग्लिश का जो फोर्थ क्लास था पार्ट में, वो चीजें मैंने गो अप वर्ड पढ़ाया था, आप लोगों को याद ही होगा, गो अप माने बढ़ना, तो इंक्रीज मतलब ही बढ़ना हो गया। सेकंड फॉर्म में डी और थर्ड फॉर्म में डी। तो इंक्रीज, जैसे हम बोले द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, एक चीज को देखो, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, चाहे द प्राइस ऑफ पेट्रोल है ना, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ना, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। अब यहां पे एक वर्ड आपको मिल रहा है, फ्रेज, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब यहां ही पे आप सीखिए
कि डे बाय डे का मतलब क्या हुआ, दिन प्रतिदिन, आपको यहीं पे सीख लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको, आपने यहीं पे सीख लेना है ना, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यानी डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की कीमत, प्राइस का मतलब आपको मालूम है कीमत, पी आर आई सी, प्राइस का मतलब क्या होता है, ये जो प्राइस है क्या मतलब होता है, पी आर आई सी, प्राइस माने कीमत, पहले भी मैंने पढ़ाया है संभवतः, आप सीख लो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, आपको ये सीखना है डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। मीन्स ऑल द एक्सप्रेशंस, ऑल द वर्ड्स, ऑल द फ्रेजेस हैव टू बी फर्मली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, ठीक है, तब जाकर के ये चीजें होंगी। मैंने दो वर्ड आपको सिखाया, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, बढ़ रहा है। अब है डिजायर, अब अगला जो आप वर्ड सीखने जा रहे हैं वो कौन सा वर्ड है, वो आप सीखने जा रहे हो डिजायर, क्या वर्ड है वो, डिजायर। अब मैं यहां पे डिजायर लिख रहा हूं, डी ई एस आई आर ई, डिजायर का मतलब इच्छा होता है ना, इच्छा, आप देख सकते हैं डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा। देखिए वोकैबुलरी बढ़िया करो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, वोकैबुलरी बढ़िया करो, अगर तुम वोकैबुलरी बढ़िया करोगे और लाइन से ही चीजों को सीखो, इसे सीखो तो जो भी लाइंस हैं उन्हें, लाइंस को अपने दिमाग में रखो, उन्हें सीखो। डिजायर माने इच्छा, जैसे हम बोले कि वी हैव नो डिजायर, वी हैव नो डिजायर, है ना, वी हैव नो डिजायर टू, वी हैव नो डिजायर टू स्टे हेयर टू नाइट। देखो कितना एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे, यहां पे सेंटेंस देखो, वी हैव नो डिजायर टू स्टे हेयर टू नाइट, वी हैव नो डिजायर, हमारे पास डिजायर नहीं है, यानी हमारे पास कोई इच्छा नहीं है टू स्टे हेयर टू नाइट। अब टू नाइट का मतलब आज रात, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं कि टू नाइट का मतलब क्या होता है, टू नाइट का मतलब होता है आज रात, यहीं पे सीख लो, मैं ये तुम्हें सिखा रहा हूं। वी हैव नो डिजायर टू स्टे हेयर टू नाइट, कोई डिजायर नहीं है ठहरने का, स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना। देखो मैं यहां पर स्टे भी लिख दिया, ठहरना, स्टे का मतलब क्या लिखा मैंने, ठहरना, इन चीजों को सीखो, स्टे मने ठहरना, एस टी ए वाई। तो तुमने सीखा कि वी हैव नो डिजायर टू स्टे हेयर टू नाइट, यानी वी हैव नो डिजायर, यानी हमारे पास डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है किस चीज के लिए, टू स्टे हेयर टू नाइट, आज रात यहां ठहरने का। डिजायर से एक और सेंटेंस, ठीक है मैं बोलूं, डिजायर से एक और सेंटेंस है ना, बोले कि एलिजा हैड डिजायर, एलिजा हैड डिजायर, है ना, टू स्पेंड सम टाइम, टू स्पेंड सम टाइम, देखो कितना बढ़िया सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, एलिजा हैड डिजायर, एलिजा के पास क्या था, डिजायर था, इच्छा था, क्या है, टू स्पेंड सम टाइम, कुछ समय बिताने का। एलिजा हैड डिजायर टू स्पेंड सम टाइम विद हर फ्रेंड्स, उसे अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने का एलिजा को डिजायर था, डिजायर का मतलब होता है इच्छा था। एलिजा हैड डिजायर टू स्पेंड सम टाइम, माने कुछ वक्त, कुछ समय। अगला जो वर्ड मैं ले रहा हूं वो है इनेमी, तुम सभी लोग जानते हो इनेमी का क्या होता है ना। देखो अंग्रेजी जो क्या है ना, कि देखो मैंने लाइव क्लास लिया था संडे को 9 बजे सुबह में मैंने संडे को लाइव क्लास लिया था, है ना, एट 9 AM में, ठीक है, और उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया था, कैसे हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं, ग्रीटिंग्स मतलब कैसे हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कैसे गुड इवनिंग बोलते हैं, किसका जवाब क्या होता है, वो पूरा जो लेक्चर है वो 1 घंटे का करीब क्लास है। तुम लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि माइनर से माइनर चीज़ें तुम्हें अंग्रेजी में अब आनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वाई यू शुड लर्न ऑल इवन माइनर थिंग्स इन इंग्लिश। देखो एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद समबडी एंड इफ यू लैक ऑल सच फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस दैट आई हैव टॉट इन माय लाइव क्लास व्हाट विल हैपन देन, आई थिंक यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स एंड द मोमेंट दैट यू नो जस्ट व्हेन दोज थिंग्स कम इनटू योर माइंड एंड यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस ऑल सच थिंग्स व्हाट विल हैपन, एक्चुअली यू विल फील अनकंफर्टेबल देयर, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार समथिंग यू आर मिसिंग, समथिंग यू आर मिसिंग,
जस्ट या व्हाट द थिंग दैट आई कुड हैव स्पोकन देयर और हियर आई एम अनेबल टू स्पीक बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दैट सो एवरीथिंग हैज बीन गिवन देयर हाउ टू ग्रीट अदर्स हाउ टू विश गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड गुड आफ्टरनून वट एवर देयर देयर आर द थिंग्स देयर यू मे सी ऑल दोज थिंग्स ओके तो मैंने कल संडे को 9 बजे लाइव क्लास लिया था मैंने तो उसका भी मैंने आपको जो है कि बता दिया है आप जाएंगे YouTube में लाइव का ऑप्शन होता है वहां पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा तो आप देखिए एलिया है डिजायर टू स्पेंड सम टाइम विद हर फ्रेंड्स वो बिल्कुल फुली एकदम स्पोकन इंग्लिश का क्लास है आपको एकदम बिल्कुल एनमिंग ठीक है और आने वाले दिनों में और भी आपको मैं बता रहा हूं कल फिर एक लाइव क्लास होगा लेकिन वो क्लास होगा 8:30 बजे से देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ 8:30 PM में ध्यान दीजिएगा कल फिर यानी ट्यूसडे को जो एक क्लास होगा लाइव क्लास 8:30 बजे रात में होगा कितने बजे 8:30 बजे रात में ठीक है ना 8:30 बजे एकदम पक्का ट्यूसडे को ठीक है आप देखिए एनिमी का मतलब क्या होता है दुश्मन एनिमी मतलब दुश्मन ठीक है इज पाकिस्तान आवर एनिमी इज पाकिस्तान आर एनिमी क्या पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन है इज पाकिस्तान आर एनिमी क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इज पाकिस्तान आर एनिमी क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ना क्लियर हो गया कॉस्टली एनिमी आप लोग जानते हैं कॉस्टली माने महंगा कॉस्टली कॉस्टली का मतलब क्या होता है महंगा कोई चीज महंगा है तो वो क्या है वो कॉस्टली है जैसे मैं आपको बोलूं कि या आई डोंट यूज कॉस्टली आइटम्स मैं महंगे सामान जो है कॉस्टली आइटम्स मैं कॉस्टली आइटम्स का यूज नहीं करता हूँ है ना आई डोंट यूज कॉस्टली आइटम्स या इट्स टू कॉस्टली इट्स टू एक्सपेंसिव उसको हम एक्सपेंसिव भी बोलते हैं आई डू नॉट यूज कॉस्टली आइटम्स या इट्स टू हम बोलते हैं सेंटेंस को इट्स टू कॉस्टली ये टू कॉस्टली ये इस चीज को समझो इट्स टू कॉस्टली इसका मतलब हुआ इट्स सो कॉस्टली ये टी डबल ओ टू का मतलब जो है ना यहाँ पे इट्स टू कॉस्टली ये बहुत ही महंगा है यहाँ पे टू का मतलब बहुत के सेंस में हुआ तो ये सब चीजें तुम सीखते हो है ना वो जो क्लास लाइव क्लास जो भी मैं लूंगा ठीक है वो सब स्पीकिंग पे आधारित होगा वो ये सब नहीं रहेगा नो ग्रामर नो वोकैबुलरी या समटाइम्स यू विल बी हैविंग यू नो सम ऑफ द गुड वोकैबुलरीज फ्रेजेस ऑल्सो बट एवरीथिंग हैज टू बी इन स्पीकिंग मैनर करेक्ट नाउ हेल्पलेस का मतलब क्या होता है हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार हेल्पलेस आप यहां पे देखिए लाचार का विचार क्या है ना लाचार कोई है हेल्पलेस ठीक है हेल्पलेस यानी पुअर्स आर हेल्पलेस गरीब लोग क्या होते हैं लाचार होते हैं पुअर्स आर हेल्पलेस लाचार हैं है ना देखिए यहां पे पुअर्स आर हेल्पलेस वी शुड देखो यहां पे वी शुड है ना वी शुड डू समथिंग देखो चीजों को सीखते जाओ वी शुड डू समथिंग है ना वी शुड डू समथिंग फॉर हेल्पलेस पीपल आप यहां पे चीजों को समझो मैं क्या बोल रहा हूं मैंने लिखा है वी शुड डू समथिंग हमें कुछ करना चाहिए फॉर हेल्पलेस पीपल जो लाचार लोग हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए पुअर्स आर हेल्पलेस गरीब लोग लाचार होते हैं और वी शुड डू समथिंग फॉर हेल्पलेस पीपल आई मीन टू से कि आपको हर चीज सीखते रहना पड़ेगा ड्राई या ड्राई माने सूखा या सूखा जैसे मैं बोलूं कि दिस रिवर इज ड्राई यह नदी सूखी हुई है दिस रिवर मीन्स नदी दिस रिवर RIVER आप लोग को मालूम ही होगा इसमें क्या है रिवर इज है ना देखिए यहाँ पे दिस रिवर इज ड्राई नदी सूखी हुई है आइडियल देखो आइडियल एक वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं है ना आइडियल माने आदर्श या आइडियल IDEAL आइडियल का मतलब क्या होता है आदर्श मैं ये शब्द आपको सिखा रहा हूँ
आइडियल, आदर्श, है ना, आदर्श। देख लीजिए आदर्श, हम बोले कि यू हैव ऑल द क्वालिटीज, यू हैव ऑल द क्वालिटीज, ऑल द क्वालिटीज, है ना, वो ऐसे यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल, ऑफ एन आइडियल पर्सन, यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल पर्सन, यानी आपके पास एक आदर्श व्यक्ति के सारे गुण हैं। यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल पर्सन मीन्स आपके पास क्वालिटीज, क्वालिटी, ये जो क्वालिटी देख रहे हो क्या है ये क्वालिटी, देखो 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 क्वालिटी, स्पेलिंग बता दो, क्यू यू ए एल आई टी वाई, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण। ध्यान से समझो चीजों को, है ना। तो मैंने लिखा यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल पर्सन, आपके पास, देखो क्या है ना कि मैं जस्ट आई एम यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन माय क्लासेस, इन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आई हैव टॉट यू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, करेक्ट, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ओके, विच आई एम जस्ट यू नो आई एम हियर टीचिंग यू, ओके, ऑल द थिंग्स, ओके, वेयर एक्चुअली वेयर एवर आई एम यूजिंग एनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई रियली टेल यू कि यार ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, ठीक है। तो यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल पर्सन, आपके पास क्या है, ऑल द क्वालिटीज, सारी खूबियां हैं, सारे गुण हैं, किसके, ऑफ एन आइडियल पर्सन, एक आदर्श व्यक्ति के, ठीक है। या बी, या मैं कहूं कि देखो जैसे एक सेंटेंस में लिखूं कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद इज, है ना, स्वामी विवेकानंद इज आइडियल पर्सन, है ना, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद इज, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इज आइडियल, स्वामी विवेकानंद इज आइडियल, है ना, फॉर मिलियंस, मिलियंस ऑफ यूथ इन इंडिया, मिलियंस ऑफ यूथ, मिलियंस ऑफ यूथ, है ना, मिलियन ऑफ, स्वामी विवेकानंद इज आइडियल फॉर मिलियंस ऑफ यूथ इन इंडिया, लाखों युवाओं के लिए विवेकानंद जो है क्या है, स्वामी विवेकानंद इज आइडियल फॉर मिलियंस ऑफ यूथ, यानी लाखों युवाओं के लिए क्या है, वो जो है कि इंडिया में आइडियल है, है ना, मतलब आदर्श है, स्वामी विवेकानंद इज आइडियल फॉर मिलियंस ऑफ यूथ इन इंडिया, आदर्श है, माने बहुत ही आदर्श है। रिलीजन, या जस्ट लर्न दिस, रिलीजन, आर ई एल आई जी आई ओ एन, रिलीजन मीन्स वॉट, धर्म, रिलीजन मीन्स धर्म। आप लोगों ने इकबाल का एक शेर पढ़ा होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्या मतलब हुआ, रिलीजन डज नॉट, रिलीजन डज नॉट, है ना, डज नॉट प्रिच हेड्रिक, हेट्रिक, प्रिच है, प्रिच, पी आर एस सी एच, प्रिच का मतलब सिखाना, उपदेश देना, रिलीजन डज नॉट प्रिच हेट्रिक, यानी वो जो रिलीजन है वो किसी को घृणा नहीं सिखाता है। आप यहां पे वर्ड सीख रहे हैं प्रिच, पी आर एस सी एच, प्रिच का मतलब सिखाना या उपदेश देना, आपको दोनों चीजें सीखना पड़ेगा, उपदेश देना, है ना, उपदेश देना, सेकेंड फॉर्म में ईडी, थर्ड फॉर्म में ईडी, देखो ये सब चीज को सीखो एंड स्प्रेड द एजुकेशन, एजुकेशन को स्प्रेड करो, है ना। रिलीजन डज नॉट प्रीच हेट्रेड, रिलीजन जो है कि घृणा को, मैंने घृणा का उपदेश नहीं देता है, हेट्रेड मतलब क्या हुआ, घृणा, एच ए टी आर ई डी, हेट्रेड मैंने घृणा। तो ये चीजें आपने सीखा या नहीं सीखा, है ना। स्वामी विवेकानंद इज आइडियल, ये स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, स्वामी विवेकानंद इज आइडियल फॉर मिलियंस ऑफ यूथ इन इंडिया, रिलीजन धर्म, रिलीजन डज नॉट प्रीच हेट्रेड, प्रीच मैंने सिखाना है, उपदेश देना, सेकंड फॉर मीडी, थर्ड फॉर मीडी, ठीक है, रिलीजन डज नॉट प्रीच हेट्रेड, है ना, रिलीजन, है ना। या मैं ऐसे बोलूं कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल, देखो यहां पे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट रिलीजन्स,
DIFFERENT. देखो यहां पे पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजन्स है ना, लिव टुगेदर इन इंडिया, टुगेदर इन इंडिया, टुगेदर इन इंडिया. कितना सुंदर सेंटेंस मैंने आपको लिख के सिखाया. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट मैंने अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स यानी अलग अलग धर्म के लोग, लिव टुगेदर इन इंडिया. टुगेदर मैंने एक साथ, टुगेदर की स्पेलिंग सीखो, टुगेदर की स्पेलिंग है TOGETHER, टुगेदर. मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं, देखो टुगेदर, टुगेदर मैंने एक साथ. ये चीज को सीखो, टुगेदर का मतलब क्या सीखोगे, एक साथ. ये चीज को सीखना पड़ेगा तुम्हें, है ना, एक साथ टुगेदर. तो क्या हो गया, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स यानी अलग अलग धर्मों के लोग, है ना, लिव टुगेदर इन इंडिया, इंडिया में साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं. साथ साथ मैंने हो गया यार, साथ साथ बोलो या एक साथ बोलो, ठीक है, अब इतनी तो हिंदी आपको आना ही चाहिए. तो आपने देखा, अब हम बात कर रहे हैं रिलीजियस पे. देखो रिलीजियस सिखा दिया है ना, और रिलीजियस, अब ये चीज को सीखो कि रिलीजियस का मतलब क्या होता है. रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिलीजियस RELIGIOUS, रिलीजियस मैंने धार्मिक, धार्मिक. देखो हिंदी में ना कुछ वो स्पेलिंग का मिस्टेक वगैरह हो जाए तो थोड़ा सा उस चीज को इग्नोर करना. रिलीजियस RELIGIOUS, रिलीजियस मतलब धार्मिक. जैसे मैं बोलूं कि माई मदर इज अ रिलीजियस वुमैन, माई मदर इज, देखो यहां पे माई मदर इज अ रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस वुमैन. मेरी जो माँ है वो क्या है, वो एक रिलीजियस वुमेन है, यानी धार्मिक महिला, रिलीजियस धार्मिक. या जैसे बोले आई हैव अ रिलीजियस एनवायरमेंट एट माय होम, आई हैव अ रिलीजियस. देखो यहाँ पे आई हैव अ रिलीजियस एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट एट माय होम. तुम एक्सप्रेशन, अलग अलग एक्सप्रेशन सीखो तभी अंग्रेजी सीखोगे. वो दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैट नहीं होता है. आई हैव अ रिलीजियस एनवायरमेंट एट माई होम, मेरे घर, मेरे पास क्या है, आई हैव अ रिलीजियस एनवायरमेंट, एक धार्मिक वातावरण है, एनवायरमेंट. अब एक एक वर्ड सीखो, एक एक सेंटेंस सीखो, एनवायरमेंट से क्या सेंटेंस हो सकता है, है ना. देखो यहां पे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ENVIRONMENT, वातावरण. एनवायरमेंट मीन्स वातावरण, या इसको हम वातावरण या पर्यावरण, है ना, पर्यावरण. अब जो मान लो वातावरण, एनवायरमेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, है ना. या सो आई हैव अ रिलीजियस एनवायरमेंट, एक वातावरण है. वी नीड टू क्रिएट, एक सेंटेंस पढ़ा दे रहा हूँ, चलो चलते चलते एनवायरमेंट में एक सेंटेंस पढ़ा दे रहा हूँ, है ना. वी नीड टू क्रिएट, एक सेंटेंस को सीखो. We need to create, है ना, a good environment, a good environment, a good environment for English, for English. अंग्रेजी के लिए हमें एक अच्छा सा वातावरण का निर्माण करने की जरूरत है. We need to create. Create का मतलब क्या होता है, बनाना. देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, create मैंने बनाना, है ना, create, CREATE. क्रिएट मतलब बनाना. हमें क्या बनाना चाहिए, बनाने की जरूरत है, सेकेंड फॉर्म में डी, थर्ड फॉर्म में डी. देखो यहाँ पे वी नीड टू क्रिएट अ गुड एनवायरमेंट फॉर इंग्लिश, है ना, फॉर स्पोकन इंग्लिश. चलो फॉर स्पोकन इंग्लिश लिख दो. स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, एक अच्छा सा एनवायरमेंट क्रिएट यानी बनाने की जरूरत है, है ना. वी नीड टू क्रिएट अ गुड एनवायरमेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, है ना. क्रिएट मैंने बनाना. अब जो अंतिम वर्ड है वो है सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित. चीजों को समझते जाओ, आश्चर्यचकित. सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित. जैसे एक जो वर्ड है सरप्राइज्ड, SURPRISED, आश्चर्यचकित. ये वर्ड को देखो, आश्चर्य, आश्चर्यचकित, है ना, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित. आई एम सरप्राइज्ड, है ना, I am surprised to see you here.
टू सी यू हियर. ओ मैं तुम्हें यहां देखकर सी यू हियर, मैं तुम्हें यहां देखकर सरप्राइज्ड हूं, आश्चर्यचकित हूं. क्या हूं? आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूं. टू सी यू देयर, टू सी यू हियर, तुम्हें यहां देखकर. आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू हियर. या यू विल बी सरप्राइज्ड. देखो यहां पे चीजों को हमने क्या बोला कि आई वुड बी गिविंग यू डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस. ठीक है, यू वुड बी, आई मीन देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड, है ना. यू विल बी सरप्राइज्ड टू, यू विल बी सरप्राइज्ड टू, है ना, टू सी माय रिजल्ट, टू सी. तो आप मेरे रिजल्ट को जो है ना देख करके क्या हो जाइएगा, यू विल बी सरप्राइज्ड. तुम क्या हो जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड, तुम आश्चर्यचकित होगे. यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी माय रिजल्ट, मेरे रिजल्ट को देखकर. मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहूँगा. शेयर कर दिया कीजिए, आप लोग एजुकेशन को स्प्रेड कीजिए. एक हम लोगों ने अभियान बनाना है ताकि एजुकेशन को लोग स्प्रेड कर सकें. ठीक है, तो आज भर इतना ही. जय हिंद. लाइव क्लास मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइव क्लास जो है यानी लाइव क्लास ट्यूजडे, ट्यूजडे को 8:30 बजे, 8:30 बजे शाम में, ट्यूजडे 8:30 PM, सिर्फ स्पोकन का उसमें क्लास होगा. आज भर इतना ही. जय हिंद.